हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम मनोज कुमार शर्मा विद यू ऑन अवर यूट्यूब चैनल संत कृपाल स्कूल भरतपुर। डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। टुडे वी हैव डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज डिवाइड एंड चेक द आंसर बाय डिवीजन एल्गोरिथम। मैंने कल भी आपको बेटा डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में बताया था और आज भी मैंने नोट किया हुआ है। डिविडेंड इक्वल डिवीजर प्लस क्वेश्चेंट प्लस रिमाइंडर, सॉरी प्लस नहीं आएगा, मल्टीप्लाई आएगा। डिवीजर मल्टीप्लाई क्वेश्चेंट प्लस रिमाइंडर, डिवीजर मल्टीप्लाई क्वेश्चेंट प्लस रिमाइंडर। सो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन इज 2587 डिवाइड बाय 32। तो 2587 में डिवाइड करेंगे 32 से, तो ये डिवाइड जाएगा बेटा 8 टाइम। 8 2 16 कैरी 1 8 3 24 और 125। सो रिमाइंडर इज 2 and 7। ओके, 27 में डिवाइड जाएगा नहीं, सो दिस इज 0। ओके, तो अब आप देखेंगे यहां हमारे पास जो वैल्यू है, अब इनको चेक करेंगे। चेक करने से पहले हमें लिखना पड़ेगा हमारा डिविडेंड क्या है। तो डिविडेंड इज इक्वल टू 2587 एंड डिवीजर इज इक्वल टू 32, क्वेश्चेंट सॉरी क्वेश्चेंट इज इक्वल टू 18 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 27। सो डियर स्टूडेंट, चेक द आंसर। चेक करने के लिए हम एल्गोरिथम में रखेंगे तो डिविडेंड की प्लेस पर डिविडेंड 2587 इज इक्वल टू डिवीजर 32 मल्टीप्लाई क्वेश्चेंट 18 प्लस 20 मैं 7। मैंने कल भी बताया था ये आपका डिवीजर होता है, जिससे डिवाइड करते हैं वो डिवीजर होता है, जो आंसर आता है वो क्वेश्चेंट होता है और जो रिमाइंडर इसको क्या कहते हैं जिसमें डिवाइड नहीं जाए वो रिमाइंडर होता है। ओके डियर स्टूडेंट, और जिसमें डिवाइड करते हैं वो क्या होता है आपका डिविडेंड होता है। डियर स्टूडेंट, हमें दोनों बूथ साइड को इक्वल करना है, तो इक्वल करने के लिए अपन क्या करेंगे 2587 इज इक्वल टू इनका मल्टीप्लाई करेंगे, तो इनका मल्टीप्लाई आएगा 0 16 कैरी 1 and 8 3 24 प्लस 125 प्लस 27। सो दिस इज आंसर। प्लस करेंगे अब, सबसे पहले हमने मल्टीप्लाई सॉल्व किया, अब क्या सॉल्व करेंगे, प्लस 2587। सो डियर स्टूडेंट, बोथ साइड आर इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, राइट हैंड साइड इक्वल, हेंस प्रूफ। अगर हमारी बोथ साइड इक्वल आ जाती है तो हमारा आंसर जो 80 क्वेश्चेंट और रिमाइंडर 27 है वो क्या है, राइट है। अगर बोथ साइड इक्वल नहीं आती है तो हमारा क्या होता है, ये आंसर रॉन्ग होता है। ओके डियर स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन एक और बता रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 4 का। फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट है, एक पार्ट और करवा देता हूं। सो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट इज 6th पार्ट। 6th पार्ट इज 9256 708 डिवाइड बाय 1000 डिवाइड बाय 1000 1000 9256 708। ओके, फर्स्ट टाइम डिवाइड इज 9 टाइम इज इक्वल टू 9000, रिमाइंडर 6 5
टू, नेक्स्ट डिजिट सेवन एंड डिवाइड टू टाइम 2000, 5, 6, 7, नेक्स्ट डिजिट इज जीरो एंड डिवाइड फाइव टाइम 5000, 6, 7, 0, 8 एंड डिवाइड सिक्स टाइम 6000, बिकॉज 8 एंड 7, 0, 8। अब 7, 0, 8 में 1000 का डिवाइड नहीं जाएगा, इट मीन्स ये तो क्या हो गया आपका क्वेश्चन हो गया, और ये क्या हो जाएगा आपका रिमाइंडर हो जाएगा, और ये आपका डिवीजर है। सो डियर स्टूडेंट, 1000 इज डिवीजर एंड 9256 इज क्वेश्चन एंड 708 इज रिमाइंडर, एंड चेक दिस, चेक करने के लिए यही फॉर्मूला, डिविडेंड इक्वल डिविजन मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इज 9256708 इक्वल टू डिविजन 1000 मल्टीप्लाई क्वेश्चन 9256 प्लस 708। सो डियर स्टूडेंट, 9256708 मल्टीप्लाई 1000 इज इक्वल टू 9000, 9256000 प्लस 708 इक्वल टू 9256708 एंड 9256708 LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। अगर बोथ साइड इक्वल आती है तो हमारे जो भी क्वेश्चन रिमाइंडर और डिविजर, जो भी वैल्यू आई हमारी क्वेश्चन और रिमाइंडर वाली, वो क्या है हमारी राइट है। अगर ये बोथ साइड इक्वल नहीं आती है तो हमारा आंसर क्या होता है बेटा, रॉन्ग होता है। तो आपके क्वेश्चन नंबर 5 में 6 पार्ट थे, 6 में से फर्स्ट एंड 6 मैंने करवा दिया, थर्ड सेकेंड फोर्थ एंड फिफ्थ आपको खुद से करना है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, फाइंड द नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 35 गिव द क्वेश्चन 20 एंड रिमाइंडर। अब आपको क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में दिया हुआ है बेटा, आपको वो नंबर फाइंड आउट करना है, इट मींस डिविडेंड फाइंड आउट करना है, जो कि डिवीजर मतलब डिवाइड है, तो डिवाइड है किसके द्वारा, डिवीजर के द्वारा ही डिवाइड होता है, तो क्या है 35। क्वेश्चन क्या गिवन है बेटा, क्वेश्चन इज 20 एंड रिमाइंडर इज, रिमाइंडर इज 18। अब आपको निकालना क्या है, जब आपके पास ये भी गिवन में है जिससे डिवाइड करते हैं उससे आंसर क्या आया, वो भी आपके पास गिवन में है, रिमाइंडर क्या मिला वो भी आपके पास गिवन में है, हमसे जो पूछ रहा है वो फाइंड द नंबर, इट मींस क्या फाइंड करना है हमें, डिविडेंड फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है डिविडेंड फाइंड करना है। ओके डियर स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिविडेंड, अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है, इक्वल टू डिविडेंड डिविजन मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ओके डियर स्टूडेंट, जो जो वैल्यू गिवेन है उनको पुट कर दीजिए, 35 मल्टीप्लाई 20 प्लस 18, सो आंसर इज प्लस 18 इक्वल टू 718 इज द, 718 इज द डिविडेंड। आपका आंसर क्या आ गया 718, आंसर क्या है बेटा 718। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स्थ क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर सिक्स, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज एंड वन नंबर इज, तो बेटा आपको एक फॉर्मूला लर्न करना है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, इट मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, इसका मतलब क्या है, इस वैल्यू का मतलब क्या है, पूरी लाइन को पढ़ेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इट मीन्स टू नंबर्स का प्रोडक्ट करना है, तो उसमें वन नंबर होगा मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर को अपन क्या कह सकते हैं बेटा, एन उधर नंबर भी कह सकते हैं, या अदर नंबर भी क्या कह सकते हैं, अदर नंबर, ओके। अब क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन में क्या क्या गिवेन है, क्वेश्चन में गिवेन है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, इट मीन्स ये गिवेन है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू 5,53,531,586, ये तो आपको प्रोडक्ट गिवेन है। वन नंबर आपको गिवेन है वो आपको 73 गिवेन है। फाइंड द अदर नंबर, अब आपको क्या निकालना है, अदर नंबर निकालना है, ओके डियर स्टूडेंट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप इसको अरेंज कर दो फर्स्ट वाले फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले को दोबारा से नोट करना, ये तो मैंने अभी बताया था, इसको यहां नोट कर लेना। तो फर्स्ट वैल्यू क्या पुट करनी है अपन को, 5,31,586 इज इक्वल टू वन नंबर 73 मल्टीप्लाई अदर नंबर। अब आपको अदर नंबर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 73 काम करेगा मूव करेगा एनोदर साइड, यहां ये मल्टीप्लाई में, तो एनोदर साइड किस में चला जाएगा, डिवाइड में। सो अदर नंबर 5,31,586 अपॉन 73, ओके डियर स्टूडेंट। इसको सॉल्व कर लेते हैं, एनोदर साइड 5,31,586 डिवाइड बाय 73, सो आंसर इज 7 टाइम डिवाइड जाएगा फर्स्ट टाइम, ओके डियर स्टूडेंट, 1-1 0 एंड 2, नेक्स्ट इज 5, सेकेंड टाइम डिवाइड 2 टाइम, 2 3 6, 2 7 14 एंड 3 टाइम 3 3 9 एंड 3 7 27 मोर देन चला जाएगा, तो आपका ये आएगा 15-9 6 9 एंड 9-4 5, नेक्स्ट डिजिट इज 8, नेक्स्ट डिवाइड जाएगा बेटा 8 टाइम हो जाएगा आपका 8 3 24 कैरी 2 8 7 56 और 2 58 एंड 4 1, नेक्स्ट टर्न इज 6 और ये डिवाइड जाएगा बेटा 2 टाइम 146, रिमाइंडर इज 0, तो आंसर क्या आ गया अपना 7282, आंसर अदर नंबर क्या है हमारा बेटा 7282। अगर 73 से अपन इस नंबर को डिवाइड करेंगे, डिवाइड क्यों करेंगे, क्योंकि ये 73 अदर नंबर के साथ, मैंने कहा भाई बंधु एक साथ मीन न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ रहेगी, और जो अल्फाबेटिकल वैल्यू है वो अल्फाबेट के साथ रहेगी, तो ये अदर नंबर तो अल्फाबेटिकल हो गया और 73 क्या न्यूमेरिकल, 73 जब अपने भाई के पास जाएगा तो ये क्या करेगा, ये मल्टीप्लाई में, तो वहां जाके किसमें चेंज हो जाएगा, डिवाइड में, तो डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ गया 7282। सो डियर स्टूडेंट, टुडे इनफ, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 को सॉल्व करेंगे। टुडे आज के लिए इतना ही काफी है, और
आपको आज का होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक सॉल्व करके अपनी फेयर नोटबुक में कंप्लीट करें। ओके, थैंक यू।